हेलो व्हाट्सअप गाइस माय नेम इस विनोद बाद एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट इन हंड्रेड डेज जी हाँ गाइस तो बताना चाहूंगा आज हमारा थर्टीन डे होने जा रहा ऑन जावास्क्रिप्ट इन हंड्रेड डेज के ऊपर सो बिलीव मी आज का जो ये चैलेंज आप कह सकते हो ये बहुत ही ज्यादा औसम होने वाला है एंड थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग लग सकता है लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा गाइस अभी तक अगर आपने मेरा वर्ल्ड बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स को चेकआउट नहीं किया है देखा नहीं है तो प्लीज देख लीजिएगा पार्ट वन पार्ट टू एंड फाइनल पार्ट थ्री जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट है सब कुछ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है नोट्स बिल्कुल फ्री है बहुत मेहनत की आप इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा आपको बहुत मजा आने वाला है एंड इवन उस आ, हमारे कोर्स में भी मैंने आई गेस इसको टैकल किया था तो आपकी तो लाइक like, मज़े आ जाएंगे लाइक like, आप वापस यहाँ पे एज अ प्रैक्टिस उसको चेकआउट कर सकते हो ठीक है सो so, अगैए सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं एंड दैट इज़ नाउ वी नीड टू राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अ स्ट्रिंग एज इनपुट ठीक है एंड रिटर्न द काउंट ऑफ द वर्बुल्स इन दैट स्ट्रिंग ओके उस बेसिकली हमारा जो आर्गूमेंट है ठीक है वो एक स्ट्रिंग होगा उस स्ट्रिंग में कितने वॉवल्स आ रहे हैं उसको हमें काउंट करना है विद द हेल्प ऑफ जाउस प्रोग्राम एंड आप देख सकते हो वॉवल्स इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज वॉवल्स देन ये जितने भी हमारे अल्फाबेट से छब्बीस उसमें उसमें ये जो ए ई आई ओ यू टोटल वी हैव फाइव राइट ए ई आई ओ एंड देन यू अगर ये जब भी ये लेटर्स uh, अगर रिपीट होते हैं तो ये आपके वॉवल्स कहलाते हैं सिंपल तो जैसे कि आप देख सकते हो वी हैव दिस हेलो स्पेस एंड देन वर्ल्ड तो इसमें ए ई आई ओ यू कितनी बार रिपीट हो रहा है तो वो हमें बताना है लेट्स से यहाँ पे तीन बता रहा है देखो एक तो ई हो गया दूसरा डबल ओ हो गया एंड देन वी हैव अगेन ओ माई गॉड सो इज इट रियली थ्री गाइस आई जस्ट रियलाइज कि हेलो में तो ई है देन दो ओ है देन एक और ओ तो चार होना चाहिए ये बट ये हमें तीन दिखा रहे हैं इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कोई बात नहीं अभी हम जब इसको टैकल करते तब चेकआउट करते कुछ तो भी इन्होंने कॉन्स्टेंट भी दिया दैट इज द इनपुट स्ट्रिंग में कंटेंस लेटर ओके इधर अपर केस भी हो सकता है लोअर केस भी हो सकता है तो हमें दोनों को काउंट करना है द आउटपुट शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर नॉन नेगेटिव कभी माइनस वन तो हो ही नहीं सकता आई I मीन mean, कैसे होगा माइनस वन हो ही नहीं सकता नेगेटिव में कि एक बार ए आ सकता था लेकिन नहीं आया अगली बार आएगा इसलिए माइनस वन मतलब नहीं आ सकता नेगेटिव में राइट होप so, गाइज uh, आपको एटलीस्ट क्वेश्चन पता चल गया है नाउ दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपने लॉजिक को बिल्ड करने के लिए तो अभी तक अगर आपने वीडियो को पॉज नहीं किया अभी की अभी वीडियो को करो आप पॉज आप खुद से कोशिश कीजिए ट्राई कीजिए कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो लगने दो दस मिनट बीस मिनट इट डजेंट मैटर एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा अच्छा इसको मैं इस तरीके से कर सकता था एंड अगर आपसे सॉल्व नहीं भी हुआ तब भी कोई बात नहीं बट एटलीस्ट आपने कुछ ना कुछ खुद से ट्राई तो किया ना कहीं ना कहीं तक तो आप पहुंचे होंगे उतना ही बहुत है गाइस धीरे धीरे इस जो हमारा सीरीज है ना वहाँ पे आप बेटर हो ही जाओगे बहुत सारी चीजें रिपीट भी होगा जो आपको पता चल जाएगा मेथड्स की बात हो रही ना कि क्वेश्चन है ना ऑल राइट सो आई होप गाइस एटलीस्ट आपने ट्राई किया होगा सो लेट्स डू इट ठीक है देखो बहुत सारे डिफरेंट तरीके मैं हर, हर बार बोलता हूँ कि मुझे एरे के मैथड्स के साथ इतनी लगाव हो चुका है कि मैं मोस्टली एरे के थ्रू ही सोच रहा हूँ मेरे मन में बस यही है कि अभी मेरे को कहीं से भी यू नो ए आई ओ यू का कोई कुछ तो है नहीं तो मैं एक वो वेरिएबल बना लूंगा एरे वाला है ना एंड ये जो मेरा स्ट्रिंग है इसको लूप में चला कि एक एक लेटर एच ई एल एल ओ ओ हर एक लेटर को मैं चेक करूंगा कि उसमें वो ए आई ओ यू है या नहीं ठीक है कैसे मैं बताता हूँ देखो कॉन्स्ट यहाँ पे लेट्स गो विथ काउंट वबल्स ठीक है एंड ठीक है देखो सबसे पहले तो हम लूप चलाएंगे ठीक है मैं यहाँ पे ना एस कर देता हूँ इसको ठीक है मैं लेट यहाँ पे बबल्स लिख देता हूँ एंड जो कि एरे में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लूप चलाना है वन बाय वन चेक करना है है ना सो एक कॉमा एक काम करता हूँ यहाँ पे ए ई सो या परफेक्ट सो मैंने एक एरे बना लिया सिंपल सा बबल्स का ठीक है अब मैं पता क्या करूँगा मैं ये वाला जो मेरा पार्ट है सिंपल है ना इसको मैं लूप पे चलाऊंगा एंड मैं डायरेक्टली लूप पे तो नहीं चला सकता मुझे स्ट्रिंग को जो है एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडिविजुअली है ना सो so उसके लिए हम क्या करते हैं लेट ए आर आर विल भी इक्वल टू हमारा ये जो भी एस टी आर है डॉट वी हैव है स्प्लिट मेथड ठीक है एंड मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि भाई सबको इंडिविजुअली स्प्लिट कर दो अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग ए आर आर आपको करके दिखाऊं जो कि हम बहुत बार कर चुके मुझे तो पता नहीं ऐसा लग रहा है ना जाने कितनी ये देखो आप देख रहे हो हेलो वर्ल्ड देखो क्या हो गया एच ई एल एल ओ ओ स्पेस डब्ल्यू ओ तो पूरा एक इंडिविजुअल हो गया ना अब मैं बहुत इजीली इस पर लूप चला सकता हूँ लूप चला के मैं ये देख सकता हूँ कि मेरे एच में बेसिकली मैं क्या करूँगा मेरे इस वॉबल वाले एरे में ये एच है या नहीं मेरे इस बबल वाले एरे में ई प्रेजेंट है या नहीं एंड कुछ भी चीज़ प्रेजेंट है या नहीं वो हम कैसे चेक कर सकते हैं सोचो आपने सोचा या इट्स यू इंक्लूड मेथड ठीक है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ हम एक लूप चला रहा हूँ आप चाहो तो कोई भी लूप चला आई मीन I mean, चला सकते थे एंड यहाँ पे मैं लिखते तो लेट कैरेक्टर ऑफ विच एरे ये वाला एरे एक एक है ना सो ए आर आर ठीक है अब क्या होगा ना गाइस पहले मुझे एच आएगा फिर ई e आएगा फिर एल आएगा फिर एल आएगा सो देन तुम मैं क्या कर सकता हूँ इफ़ है ना मेरा ये जो बॉबल्स है वी हैव वन मेथड कॉल इनक्लूड्स है ना सिंपल आप समझे ना अभी पहले सबसे पहले एच की बात हो रही है यहाँ पे यहाँ पे सिंपल आप लिख दीजिए आपका ये जो भी कैरेक्टर है बेसिकली डॉट टू लोअर एंड देन केस क्यों मैंने लोअर केस की क्योंकि अपर केस भी तो हो सकता है ना एंड बाई डिफॉल्ट मुझे तो अच्छे से मालूम है कि मैंने जो बबल्स बनाई हैं वो सभी के सभी ऑलरेडी स्मॉल लेटर में है ठीक है तो ऑब्वियस था कि इनमें से ही जो भी आर्गूमेंट हम पास कर रहे हैं वो इधर लोअर भी हो सकता है या तो अपर केस भी हो सकता है सो so, मैंने सबको जो भी है लोअर है तो लोअर रहने दो अगर अपर है तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दो क्योंकि मेरे ये जो ए ई आई ओ यू है ये तो लोअर केस में है अब मैं सिंपल इतना बोल रहा हूँ कि मेरा ये जो एरे है बबल्स वाला क्या उसमें ये जो एच है प्रेजेंट है या नहीं अगर नहीं है इट डजेंट मैटर बट अगर है देन वी नीड टू हैव वन एलिमेंट जिसको मैं न इंक्रीमेंट कर सकूँ ठीक है अब हमारे केस में वो इंक्रीमेंट वाला कोई वैल्यू तो है नहीं एंड मैं यहाँ पर लेट काउंट इक्वल टू जीरो कर नहीं सकता देन वाट आई कैन डू मैं फॉलू के बाहर चलता हूँ लेट वी हैव अकाउंट इक्वल टू जीरो सबसे पहले जीरोउंट देते हैं ना है ना या दिस इज इट तो अब जब जब मेरे इस वर्बल में इंडिविजुअली पहले एच आएगा फिर ई अरे मेरे इस वर्बल्स में ई जो है वो तो इंक्लूडेड है कितनी बार है जितनी बार है आई I मीन mean, जब जब होगा इसकी वैल्यू वो इंक्रीमेंट होती जाएगी एंड एट द एंड में मुझे रिटर्न तो करना पड़ेगा राइट सो इट्स अ रिटर्न एंड देन काउंट कंट्रोलेसिव लेट्स सी यहाँ क्या होता है मैं मेरे को जस्ट चेकआउट करना है ओ माय गॉड गोटिया दिस इज इट परफेक्ट ऑसम सम आप देख सकते हो कि इवन यहाँ पे मैंने क्यू थ्री लिखा आई डोंट नो यार इट्स इट्स शुड बी फोर राइट सो आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे फोर आ चुका है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे फाइव आ गया है यहाँ पे मुझे जीरो आ रहा है एंड दिस इज इट सो गाइस ये था आज आपका आ, प्रोग्राम एंड इसमें थोड़ा बहुत आपको मजा आया होगा थोड़ा बहुत आपको समझने मिला होगा आप में से शायद बहुतों ने इसको फिल्टर मेथड या मैप मेथड पता नहीं क्या होगा कुछ ना कुछ ऐसे बट अगर आपका आउटपुट आता है तो भी इट्स फाइन आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड जो भी है वो सब चेकआउट कर सकते हो उस पर अभी इतना नहीं चलते हम लोग बट जो भी हो अगर आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है इट जस्ट आपको और प्रैक्टिस करना है ताकि आप उसको कम से कम में एंड मोर इफिशियंट कैसे बना सकते हो यू नो कम्प्लेक्सिटी ये सब वो सब कैसे हट उसको बेसिकली वो तो चलो टाइम है बट अगर आपने खुद से किया तो गए मेरे लिए वही बहुत है समझ रहे हो आपको कोई एकदम बिलगेट्स नहीं बनना अभी के अभी आपको बस कैसे कोई भी प्रोग्राम को आप खुद से सॉल्व कर सकते हो वो अभी फिलहाल आपके लिए बहुत मैटर करेगा या दिस इज इट आई होप आपको वीडियो पसंद आगेगा सो वन मोर टाइम गाइस अगर आपने दूसरे तरीके से किया था तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा हमारा नेक्स्ट टारगेट है वन मिलियन सब्सक्राइबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा मिलता है आप आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर